हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलो एकेडमी। आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 21 अगस्त का। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वाई इज इक्वल्स टू 3 × e^2 प्लस e^-2x - α(x) इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y" (x) + β(y) = 4α(x)। ठीक है, एंड जो आपके पास y' (0) है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं y' (0, 1) वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए आपको गिवन क्या है, y की वैल्यू 3 e^2 x e^-2x - α(x)। ठीक है, अच्छा इसका आप पहले y डैश कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, 6 e^2 x - 2 e^2 x - α, ये बनेगा। ठीक है, आपको कंडीशन यहाँ से उसमें क्वेश्चन में ये गिवन है y'(0) = 1, इट मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। अब देखिए, अब यहाँ पे पुट कीजिए, y डैश की जगह आपको 1 पुट करना है, यहाँ पे 6 हो जाएगा -2 - α, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी 3। ठीक है ना, देखो यहाँ से बचेगा 4 एंड 1 - 4 समथिंग, आपके पास ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब है हमारे पास जो हमारा मेन है, ठीक है, कि हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करना है, इसी का ही आप वाई डैश निकालिए। वाई डैश जब आप निकालोगे तो 12 e^2 x + 4 e^2 - 2x, अल्फा तो कांस्टेंट है तो आपके पास 0 बन जाएगा यहाँ से। अब आप इसमें 4 को कॉमन लीजिए तो 3 e^2 x + e^2 - 2x, ये कंडीशन आपकी, देखो यहाँ से आपको मतलब निकालनी है। देखो ये वैल्यू आपको इतनी यहाँ पर गिवन है, तो जब इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा एक्स को यहाँ लेके जाइए। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, 4 × y + α(x) वी कैन पुट हियर। ठीक है, तो बस आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, y". अब इन सबको क्या ले आइए, आप -4y इधर ले आइए एंड 4α(x) को आप इधर ही रखिए। तो इस वाली कंडीशन से मैच हो रहा है, यही हो रहा है ना, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -4, जब हमें जो कंडीशन गिवन है इसके साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो बीटा की वैल्यू 4 आ गई एंड अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं कि इसको भी सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि इसका सीधा सा ही यहाँ से शॉर्ट में, ये आपका गेट 2017 में आया है क्वेश्चन। देखा ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। थैंक यू।